हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। टॉप 3 आइटम्स हम सबको पता है, आइटम पूसा, मुंबई, बैंगलोर, और इनकी अगर सीट अगर सब में 200-200 भी है तो टोटल 600 सीट्स ही बन रही हैं। लेकिन बाकी के जो 18,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए उनमें से अगर 600 काट दे तो हमारे पास 7,400 बच्चे बच जाते हैं, 17,400 बच्चे बच जाते हैं। तो 17,400 बच्चे कहाँ जाएंगे अगर उनको टॉप 3 का कॉलेज नहीं मिलता है? तो क्या उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी? ये क्वेश्चन उनके माइंड में होगा, या फिर जिन कॉलेजेस में वो जा रहे हैं उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ गाइज, मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखा सकता हूं जिनको आईएचएम बेंगलोर मिला है वो मुंबई में जाना चाहते हैं, और जिनको मुंबई मिला है वो पूसा में जाना चाहते हैं, और इवन के जिनको पूसा भी मिला है वो लोग भी अपनी प्लेसमेंट को लेके काफी ज्यादा टेंशन में है कि उनकी प्लेसमेंट्स कैसी होगी, कहां होगी, अच्छी होगी कि नहीं होगी। और मैं एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूं, जब लोग आप लोग थर्ड ईयर में जाएंगे, प्लेसमेंट में बैठेंगे, तो वहां पे आपका कॉलेज कोई मैटर नहीं करता। जो आप इंटरव्यू में बोलेंगे वो मैटर करता है, उसके बेस पे आपको नौकरी मिलेगी। जो जितनी आपके पास नॉलेज होगी, जो आपके पास स्किल होगी, जैसी आपकी कम्युनिकेशन होगी, उसके बेस पे आपको नौकरी मिलने वाली है, आपके कॉलेज के बेस पे नौकरी नहीं मिलने वाली है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपके नाम के साथ आईचम पूसा लगेगा या बेंगलोर लगेगा या मुंबई लगेगा या कोई भी और टॉप 5 का कॉलेज लगता है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी वो कंपनी, क्योंकि वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, वो कंपनी अपने फायदे के लिए काम कर रही है। उसको जिस आदमी से लगेगा कि उसको ज़्यादा ईल्ड मिल सकता है, ईल्ड का मतलब होता है कि ज़्यादा काम वो उस आदमी से उसे मिल सकता है कम पैसों में, या जितना भी पैसा वो पे कर रहे हैं उससे उसे ज़्यादा काम मिल सकता है, तो वो उस आदमी को ही हायर करेगी, ना कि वो उस आदमी को हायर करेगी जो आईएचएम पूसा में पढ़ता है। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर एक आईएचएम ग्वालियर भोपाल में पढ़ने वाला बच्चा आईएचएम पूसा के बच्चे से अच्छी स्किल, अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छी नॉलेज रखता है, उसने 3 साल में अपने ऊपर मेहनत करी है, तो गाइज डेफिनेटली वो लड़का ज़्यादा कैंपस क्रैक कर लेगा आईएचएम पूसा के लड़के से। इस बात को मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझा सकता हूँ। आप लोग एक बार जाइए आईएचएम पूसा की वेबसाइट पे और वहाँ पर एक बार प्लेसमेंट चेक करिए। होटल मैनेजमेंट में जो कैंपस निकलते हैं वो 3 तरह के कैंपस निकलते हैं, पहले OT, ET, EL, सॉरी EL, और उसके बाद निकलता है MT। जो होटल में सबसे ज़्यादा बच्चे निकालते हैं वो होता है OT, और उसके बाद आता है MT। तो 1,000 में से एक बच्चा ही निकाल पाता है ऑल ओवर इंडिया में, अगर 1,000 के कई बार हज़ारों में भी ये संख्या चली जाती है, 10,000 में एक बच्चा या 5,000 में एक बच्चा निकाल पाता है, ठीक है। और EL तो ऑलमोस्ट सभी निकाल सकते हैं। EL का मतलब होता है एंट्री लेवल, जो कि बहुत ही कम स्टार्टिंग सैलरी देता है, जो 7 से 8 हज़ार रुपये देता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आईएचएम पूसा में भी आपको EL वाले बच्चे देखने को मिलेंगे जो EL ही क्रैक कर पाते हैं और कुछ क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन वहीं मैं बता दूं आपको, आईएचएम भोपाल, भुवनेश्वर, त्रिवनंतपुरम, गुवाहाटी, शिलोंग, शिमला और भी जितने भी कॉलेजेस बच जाते हैं उन सब में भी बच्चे एमटी निकालते हैं। तो इट डजेंट मीन कि आप पूसा में जाएंगे तो ही आपकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, आप मुंबई में जाएंगे तो ही आपको हाई पैकेज मिलेगा, आप बेंगलोर में जाएंगे तो ही आपको एक लग्जरियस लाइफ जीने का मौका मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 साल में अपने ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, और अपनी नॉलेज के ऊपर कितना काम करते हैं, अपनी स्किल को कितना डेवलप करते हैं, और आप किस तरह से इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ट्रेनिंग में जाएंगे, आपको देखने को मिला कि जो बहुत सारे होटल के मैनेजर्स होते हैं या बहुत बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है, F&B मैनेजर्स होते हैं, वो लोग उनमें से सिर्फ 10 या 5% ही आपको बोलेंगे हम आईएचएम पूसा से पढ़े हैं, बाकी सब आपको बोलेंगे हम आईएचएम गांधीनगर, जयपुर, गुजरात, कहीं से भी पढ़े हुए हैं हम, यहाँ वहाँ से पढ़े हुए हैं। इवन कि सम ऑफ देम नॉट फ्रॉम आईएचएम बट स्टिल दे आर अ मैनेजर्स, हाउ? बिकॉज दे वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन, दे वर्क ऑन देयर स्किल्स एंड दे वर्क ऑन देयर टैलेंट। तो हर चीज़ यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके पास जो 3 साल होंगे इन पे काम करिए, आपकी जो रैंकिंग आनी थी वो आ गई है। अब उसके पीछे कुछ लोग ऐसा लग के बोल रहे हैं कि हम इस साल हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं आई है तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो हमें अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, तो हम ये ईयर ड्रॉप कर देते हैं, हम नेक्स्ट ईयर में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा रैंक लेके आएंगे, अच्छा कॉलेज लेके आएंगे। चलिए गाइज, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया कि आप ये ईयर ड्रॉप कर लेते हैं, आप नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करेंगे, आपको अच्छा रैंक मिल भी जाता है, आपको आईएचएम पूसा मिल भी गया, तो आप मुझे एक बात बताइए, सिर्फ इज आईएचएम पूसा इज गिविंग यू एनी गारंटी कार्ड और एनी वारंटी कार्ड इन विच दे आर गिविंग यू इन रिटर्न कि आपको 3 साल के बाद हम एक मैनेजर की पोस्ट पर लगवा के देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सब कुछ आप जो अपनी 3 साल में मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ना कि आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। ये इस बात के ऊपर कोई भी यूट्यूबर पता नहीं क्यों वीडियो नहीं बनाता है, जबकि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि हम आप लोगों को समझाएं। मैं एक बात समझता हूँ इसके, आप अभी 17, 18, 19, 20 साल के हैं तो आपको अभी इस
चीज़ के बारे में नहीं पता जब तक आप इस इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, लेकिन आप थोड़े से एग्जांपल से सोचने की कोशिश करिए कि क्या आईएचएम पूसा में जाने वाला हर एक बच्चा मैनेजर बनता है? जी बिल्कुल नहीं। इस बात का प्रूफ है उनकी वेबसाइट, उसकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कितने बच्चे मैनेजर बनते हैं, कितने बच्चे क्या बनते हैं। आपको एकदम डाटा देखने को मिलेगा, उनके स्टैटिस्टिक्स देखिए, प्लेसमेंट्स की आप समझ जाएंगे, ठीक है। किसी भी कॉलेज को कंपेयर करिए, उनके सीनियरों से बात करिए, उनसे पूछने की कोशिश करें। अब कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि उनको आईएचएम भोपाल मिला या कोई भी आईएचएम मिला है टॉप थ्री या टॉप फाइव को छोड़ के, तो लोग बोलते हैं सर बाकी के लोग बोल रहे हैं कि आईएचएम अच्छा नहीं है या फिर इसमें मत जाओ, यहाँ अच्छा नहीं है। तो वो बाकी के लोग बोलने वाले लोग कौन से हैं? उन्होंने अगर वहाँ से पढ़ाई की है तो उनका बोलना मैटर करता है, अगर उन लोगों ने वहाँ से पढ़ाई नहीं की है तो उनके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। क्योंकि अगर मैं किसी भी कोर्स के ऊपर कमेंट कर देता हूँ, मैं इंजीनियरिंग के ऊपर कमेंट कर देता हूँ या किसी और कोर्स के ऊपर कमेंट कर देता हूँ, तो मेरा कमेंट है वो कोई पागल ही आदमी होगा जो मेरे कमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। मेरे को उस बैकग्राउंड के बारे में कुछ ए बी सी तक नहीं पता, तो मैं उस बैकग्राउंड के ऊपर कमेंट कर दूंगा और फिर आप लोग उस कमेंट के बेस पर अपना लाइफ का डिसीजन ले लो, तो ये तो आपकी ही गलती है कि आप अपनी लाइफ किसी और के हाथों में दे रहे हैं, वो भी ऐसे बंदे के हाथ में जिस बंदे को इस इंडस्ट्री के बारे में ए बी सी तक नहीं पता है। अपने इन 3 सालों में मेहनत करें, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को इन्हेंस करें, अपने आप को डेवलप करें और अपने आप को ऐसा सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करें कि हर कोई बोलेगी हाँ यार ये बंदा 3 साल पहले कैसा होता था और आज कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल से मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर अंबानी का बेटा एक दिन में 100 करोड़ रुपये कमाए तो वो कोई न्यूज़ नहीं बनने वाली है, सबको पता है वो इतना कमाते ही हैं। लेकिन जिस दिन आप एक दिन में 100 करोड़ रुपये कमाएंगे तो उस दिन वो चीज़ ज़रूर न्यूज़ बन जाएगी। सेम जब आप आईएचएम पूसा में पढ़ के एमटी निकालेंगे, मैनेजर बनेंगे, तो वो न्यूज़ नहीं बनने वाली। सबको पता है कि पूसा से मैनेजर्स ही निकलते हैं या ज़्यादातर मैनेजर ही निकलते हैं। लेकिन जब आप किसी छोटे कॉलेज से मैनेजर की पोस्ट निकाल के दिखाएंगे, उस कॉलेज में आपका नाम होगा, हो सकता है कि उस स्टेट तक में आपका नाम हो जाए। तो इस चीज़ पे अपना वर्क कीजिए, इस चीज़ को अपने माइंड में लाइए। आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। देखिए अगर आप आईएचएम पूसा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, जयपुर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है एनसीएचएम सिटी में टॉप रैंकिंग वाले बच्चे आते हैं। मीन्स उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, उनकी हर एक चीज़ अच्छी है, इसलिए उनका रैंक इतना अच्छा आया है। भले ही वो कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने रट्टा लगाया, कुछ भी कराया, पर लेकिन वो आप लोगों से काफ़ी अच्छे हैं, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। तो आप हाई कंपटीशन की तरफ क्यों जा रहे हैं जब आप कम कंपटीशन में कम मेहनत करके भी आगे निकल सकते हैं? क्योंकि जब कंपनीज प्लेसमेंट लेके आती हैं तो आपका मुकाबला आपके कॉलेजेस के बच्चों से ही होगा। अगर आप आईएचएम पूसा में जाते हैं तो आपका मुकाबला आईएचएम पूसा के बच्चों से ही होगा, तो वहाँ पर मुकाबला थोड़ा हाई होगा, 100% का होगा। मुंबई जाते हैं तो 99%, बेंगलोर 98%, ऐसे धीरे धीरे कॉम्पिटिशन घटता है। लोग तो कम कॉम्पिटिशन की तरफ जाते हैं और आप लोग ज़्यादा कॉम्पिटिशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस बात को एक बार ध्यान से सोचने की कोशिश करिए, आपका जितना रैंक है उस कॉलेज में ही जाइए, ज़बरदस्ती किसी कॉलेज के पीछे मत लगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट राउंड में देखा है कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कॉलेजेस भर दिए जहां वो जाना ही नहीं चाहते थे, अब वो बोल रहे हैं सर हमारी सीट हम कैसे कैंसिल करें, अब हमें तो वो सेकंड राउंड में फिर से भरनी पड़ेगी। एनसीएचएम सिटी ने लिखा है कि इट्स मैंडेटरी टू फिल, अगर हम भर देते और हमें फिर से मिल जाता तो हम क्या करें, हमें तो रिफंड भी 8,900 रुपये ही मिल पाएगा। तो गाइस उसके लिए तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसलिए मैंने फर्स्ट राउंड की वीडियो में भी आपको बोला था कि आप जो भी कॉलेज भरे उसमें, चाहे आप 10 कॉलेज भरे, चाहे आप 72 कॉलेजेस भर दीजिए, लेकिन आप वही कॉलेज भरिए जहां आपको मिलता है, तो आप चले जाएं ताकि आपको सेकंड राउंड में ना आना पड़े। क्योंकि गाइस सेकंड राउंड बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, यहां पर कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो रिफंड हो जाता है 38। अगर मिल जाए और आप नहीं जाना चाहते तो सिर्फ आपको 8,000 रुपये ही रिफंड हो जाएगा। मैं यहां पर आपको डराना नहीं चाहता, मैं जैसे आपको एक समझाना चाहता हूं कि सेकंड राउंड थोड़ा रिस्की राउंड होता है, तो इसमें अपनी फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में समझाइए। आपको जहां भी मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा, जहां भी मिलने से मेरा मतलब है कि आप जो कॉलेज उस प्रेफरेंस लिस्ट में भरोगे उनमें से आपको जहां भी मिलेगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप उन्हीं कॉलेजेस को भरना जहां आप जाना चाहते हैं, और इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि अगर आप आईएचएम पूसा बेंगलोर मुंबई में नहीं जाते हैं तो आपका करियर सेट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे इंसान भी देखे जो ऐसे आईएचएम से निकल के 10-15 हज़ार की सैलरी शुरू करके आज वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव लगे हैं और महीने 5 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, महीने का बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ऐसे ऐसे मैंने अपने सीनियर्स को देखा है एस आई एच एम्स की, क्योंकि इसके बारे में तो कोई बंदा बात करने को ही राजी नहीं है। हर कोई इसको बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल का समझता है। लोग सोचते हैं अगर आपने एस आई एच एम्स में एडमिशन ले लिया तो आप बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। चाहे आप एस आई एच एम्स कहीं का भी ले लें, चाहे आप डी आई एच एम में ही एडमिशन ले लें जिसकी रैंकिंग काफ़ी आई एच एम्स से भी बहुत जल्दी ही क्लोज हो जाती है, फिर भी लोग उसको इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। एस आई एच एम भी गवर्नमेंट्स के कॉलेजेस ही होते हैं, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ पहले की, तो आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप
एस आईचम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको अच्छे आईचम नहीं मिलते हैं। गाइज आप उसकी वेबसाइट पर जाइए, प्लेसमेंट पर जाइए। प्लेसमेंट को देखने के भी दो तरीके होते हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखेंगे, कितनी क्वांटिटी में प्लेसमेंट आ रहे हैं और किस पोस्ट के लिए प्लेसमेंट आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप 5 लाख लगा के भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर ही क्रैक कर पाते हैं, ईएल एंट्री लेवल ही क्रैक पक कर पाते हैं तो वो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते थे, तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप इस चीज़ को समझिए गाइज, आप अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्योंकि जिस कॉलेज की प्लेसमेंट पिछले 4 सालों से जैसी रही है वो 3 सालों में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली है। हाँ ये कुछ एक्सेप्शनल तो हर जगह होता है, कहीं कहीं पर थोड़ा चेंज आ जाता है, लेकिन आप पिछले 3 साल के रिकॉर्ड को अच्छे से देखिए, उसकी प्लेसमेंट पर काम करिए, उस रिकॉर्ड को लिखिए, वहाँ के जो सीनियर्स हैं उनसे बात करिए, उनकी फैकल्टी के बारे में जानिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग भले ही कॉलेज में प्लेसमेंट क्रैक ना कर पाएँ, लेकिन आप खुद से इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते किसी फॉरेन की कंट्री में। मैंने ऐसे बहुत बंदे अपने साथ देखे थे जिन्होंने कॉलेज में जिनको एक भी नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन वो विद इन 3 मंथ फॉरेन के लिए चले गए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया, खुद को काफ़ी ज़्यादा सुधारा। जो काम उन्होंने 3 साल में नहीं किया था उन्हें 3 महीने में वो काम कर दिखाया, वो बंदे 3 महीने में बाहर चले गए। तो ओवरऑल गाइस कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे कॉलेज मैटर नहीं करता, यहाँ पे आईएचएम नहीं मैटर करता, यहाँ पे आपकी रैंकिंग मैटर नहीं करती है, यहाँ पे मैटर करता है ऑल ओवर आपकी स्किल, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी और आप उस इंटरव्यू रूम में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं वो एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है, उसको सीखने के लिए सालों की मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। तो उस प्रैक्टिस को आप आज से ही करना शुरू कर दीजिए, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करिए। जितना आप इधर उधर लोगों की बातों में लग रहे हैं कि ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप इन 2 कॉलेजेस में से एक अच्छा कॉलेज बता दीजिए। मैं जब एक अच्छा कॉलेज बता भी देता हूँ तब वो लोग बोलते हैं कि लोग तो बोल रहे हैं ये वाला अच्छा नहीं है। तो गाइज मैं बस इतना ही बोलूँगा कि वो लोग कौन है, क्या आप उन लोगों को इतनी पावर देते हैं कि वो लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकें। अगर आप इतनी पावर देते हैं तो मैं कोई नहीं होता आप लोगों को रोकने वाला, लेकिन एज अ यूट्यूबर, एज योर बिग ब्रदर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगा वो उतना मैंने आपको बता दिया। मैं 2 दिन से लगातार इस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको रिजल्ट के बारे में हर एक यूट्यूब से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको रिफंड से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आई बटन पर डाल दूंगा, ठीक है। सेकंड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है उसको भी मैंने बनाई हुई है, उसको भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसी वीडियो बनाना भी जरूरी है जिससे आपको डिफरेंस समझ आ सके। आईएचएम एसआईएचएम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको समझ आ सके कि कॉलेजेस कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करती है तो आपकी प्लेसमेंट में के दौरान जो भी आप बोलते हैं वहाँ पर, जो भी आप करते हैं इंटरव्यूअर के सामने, वो चीज़ें मैटर करती है। ना कि इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप कुछ भी डिसीजन लें उसको एकदम अच्छे से सोच के लें, उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करके लें, किसी भी बंदे की बातों में मत लग के लें, इवन कि मेरी बातों में भी मत लगो कि अगर मैंने बोला कि कोई कॉलेज अच्छा है उस कॉलेज के ऊपर रिसर्च करो। रिसर्च कैसे करनी मैंने आपको बता दिया है, उसकी प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट को कैसे देखना है, क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों चीज़ें देखनी है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, वहाँ के सीनियर से बात करो, वहाँ की लास्ट 5 ईयर की प्लेसमेंट्स तो मैंने आपको बता दी हैं, सीनियर से बात आपने कर ली है तो आपको ओवरऑल समझ आ जाएगा। वहाँ की रेटिंग देखो, इधर बहुत सारे ऐप्स हैं गाइस जहाँ पे आप कॉलेज की रेटिंग देख सकते हैं। रेटिंग से डजंट मीन कि उसकी प्लेसमेंट की रेटिंग देखो, उसके हॉस्टल की रेटिंग देखो, वहाँ पे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रेटिंग देखो, आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है उसकी रेटिंग देखो। रेटिंग से मेरा मतलब है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है आप लोगों के साथ, वो कैसा पढ़ाते हैं, इन चीज़ों की रेटिंग्स देखो। कई लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ के आसपास की ब्यूटी देखते हैं, हाँ भाई यहाँ पहाड़ है या फिर ये बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया, ऐसी जगह चले जाते हैं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिर्फ 3 साल ही वहाँ रहना है, 3 साल में से भी 6 महीने आपकी ट्रेनिंग के गए और 2-2 महीने की आपकी गर्मी की छुट्टियाँ आ गई, 10-10 दिन की नवरात्र की छुट्टियाँ आ गई और 10-10 दिन की दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ आ गई। तो ऑलमोस्ट आपको पूरे 2 साल भी उस जगह पर नहीं रहना है। तो प्लीज़ आप लोग जगह देख के मत कॉलेज लीजिए, आप उसकी प्लेसमेंट देख के लीजिए, उसकी फैकल्टी देख के लीजिए और वहाँ से आपका करियर कितना ज़्यादा सुधरेगा उसको देख के ही एडमिशन लीजिए। तो आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।